तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे हाथ ठेले पर सब्जी बेच रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहात थाना पुलिस ने मृतक के शव का पीएम करवाकर आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना श्योपुर सवाई माधोपुर हाईवे पर रायपुरा गांव के पास की है। बताया गया है कि शहर की वार्ड क्रमांक 8 निवासी विमला जाटव नाम की महिला अपने पति के साथ हाथ ठेले पर सब्जी रखकर रोजाना की तरह शहर से सट्टे हुए रायपुरा सहित अन्य गांव की ओर जा रही थी। तभी श्योपुर की ओर से सवाई माधोपुर की तरफ तेज रफ्तार में जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला और उसके पति को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान महिला ट्रैक्टर के नीचे आ गई, इस वजह से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला का मतलब खत्म हो गई है एक्सीडेंट से। ये दोनों पति पत्नी सब्जी बेचने जा रहे थे, तो ये है क्या नाम है रायपुरा के आगे बाबा ईट भट्टा है, उसके पास पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था माधोपुर पे से, ऊपर से इसने पीछे टक्कर मार दी तो महिला मौके पर खत्म हो गई। ड्राइवर नशे में था या कोई और वजह है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जांच का मतलब वही है तो मालूम चलेगा बाद में मेडिकल पे कि है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है अभी।